पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद लगातार चल रहे दो दिन के राजनीतिक घटनाक्रम के बाद आखिरकार चरणजीत सिंह चन्नी को नए मुख्यमंत्री के रूप में आलाकमान ने हरी झंडी दे दी। आलाकमान के फैसले की जानकारी कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने ट्वीट कर दी। उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया। हम आपको बता दें कि चरणजीत सिंह चन्नी राज्य के पहले दलित मुख्यमंत्री होंगे जो चमकौर सीट से चुनाव जीत कर आए और वे कैप्टन के मंत्रिमंडल में तकनीकी मंत्री के रूप में तकनीकी विभाग के मंत्री के रूप में काम कर रहे थे। हालांकि दिन भर चर्चाएं तो जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा की चलती रही, लेकिन आखिरकार शाम होते होते ये नया नाम सामने आया चरणजीत सिंह चन्नी का और उन्हें तत्काल ही राज्यपाल से मुलाकात का समय मांगा और राज्यपाल से मुलाकात की। हम आपको बता दें कि चरणजीत सिंह चन्नी के नाम के लिए दिन भर मशक्कत चल रही थी, लेकिन इसकी हवा किसी को नहीं लग पाई। हवा सुखजिंदर सिंह रंधावा की चलती रही और शाम होते होते चन्नी का नाम सामने आ गया। चन्नी दलित समुदाय से है और इसका फायदा चुनाव में लेने के लिए कांग्रेस नई सोशल इंजीनियरिंग पर काम कर रही है। कहा जा रहा है कि पंजाब में दो नए मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं और यूपी मॉडल की तर्ज पर यहां पर सोशल इंजीनियरिंग के जरिए अलग अलग वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। अब देखना यह है कि चरणजीत सिंह चन्नी कितने कामयाब हो पाते हैं कांग्रेस को वापस सत्ता में लाने के लिए।